नमस्कार दोस्तों। तो आइए, आपका कमेंट आया था कि जो है हरे रामा हरे कृष्णा का पैच बनाइए, तो मैंने प्रयास किया है, पैच को तैयार किया है। हम सभी लोग इस पैच की प्लेइंग देखेंगे और उसकी एडिटिंग भी देखेंगे। बस दोस्तों, इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर हम आपके लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए कुछ मेहनत कीजिए। मेहनत बस यही करना है कि वीडियो पूरा देखना है। तो आइए, हम सबसे पहले इसमें जो भी वेरिएशंस बने उनकी प्लेइंग देखेंगे, उसके बाद उसके साथ साथ उसकी एडिटिंग भी देखेंगे। वीडियो स्किप नहीं करेंगे, नहीं तो ना ही एडिटिंग समझ में आएगी और ना ही प्लेइंग। तो आइए देखते हैं, इस पैच को पहले सुनते हैं फुल भराव के साथ, मतलब पूरा पैच बजा करके, कि ये कैसा सुनने में आता है आर डी बर्मन पैच जो कि है। तो आइए सुनते हैं इसे। देखिए दोस्तों, तो आइए दोस्तों, अब हम इस पैच की प्लेइंग देख लेते हैं अलग अलग हाथों की अलग अलग प्लेइंग, ताकि हम सभी को इस पैच की, इस वेरिएशन की प्लेइंग करने में आसानी हो जाए। तो आइए देखते हैं कि इन तीन खानों में हमारा हाथ कैसे चलेगा। देखिए दोस्तों, आप इसको एक कह लीजिए, एक, और इसको दो, और इसको तीन, यानी 1 2 3। तो आइए दोस्तों, हम इस हाथ की प्लेइंग थोड़ा और आराम से देख लेते हैं और स्लो स्पीड में, ताकि हम सभी को इस हाथ की प्लेइंग आसानी से समझ में आ जाए। अगर आपको ये चीज़ लेफ्ट से बजाते नहीं बनेगी तो राइट में बनाइएगा। डिले हम ऑफ करते हैं, ताकि जो डिले के साउंड आते हैं, क्योंकि हम अगर स्लो स्पीड में बताएंगे तो डिले तो उतनी ही स्पीड में लगा रहेगा, तो इसलिए फिर समझ में नहीं आएगा। तो आइए हम डिले ऑफ कर दिए हैं, ताकि हमें साउंड क्लियर आ सके। अब हम देखते हैं इस हाथ की प्लेइंग। तो आइए अब हम दूसरे हाथ की प्लेइंग देख लेते हैं, यानी कि राइट वाला। अगर ये चीज़ राइट वाली आपको राइट से बजाते नहीं बनेंगे तो लेफ्ट में अपने हिसाब से बना लीजिएगा। तो आइए हम देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आइए थोड़ा हम और जो है स्लो स्पीड में, कम गति में, मतलब प्लेइंग करके देख लेते हैं, ताकि हम सभी को आसानी से दूसरे हाथ की भी प्लेइंग समझ में आ जाए। देखिए, अब हम दोनों हाथों को साथ में प्ले करते हैं, देखिए पैच कैसा भराव आता है। अब हम डिले ऑन कर लेते हैं, ताकि फुल भराव पता चल सके, फुल भराव कैसा आता है। तो आइए सुन लेते हैं एक बार फिर। और इस पैच में जो मोड़ लगते हैं, जो त्रिकेट आते हैं, मतलब जो मोड़ आते हैं उसको रोल कह लीजिए, रोलिंग जो आते हैं, रोलिंग्स। तो आइए उनकी हम प्लेइंग देख लेते हैं। दोस्तों, रोलिंग आपको गाने के हिसाब से लगाने, जैसा गाने में बजे होंगी रोलिंग। तो आइए हम इस रोलिंग की थोड़ा स्लो स्पीड में प्लेइंग देखते हैं। और दूसरी रोलिंग आपकी एक ये है, देखिए इसको भी सुन लीजिए इसमें लगी हुई। देखिए दोस्तों, ये रोलिंग, आइए हम पैच पूरा बजाकर देख लेते हैं उसमें रोलिंग ये कैसे आएगी। उसमें आप, हम सभी देख लेते हैं कि रोलिंग मतलब बजते हुए पैटर्न में कैसे लगेगी। उम्मीद है दोस्तों, प्लेइंग हम सभी को आसानी से समझ में आई होगी।